नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, काफ़ी समय से आपकी डिमांड थी कि लहसुन पर कोई नया अपडेट दिया जाए, तो पिछले दिनों जो लहसुन के भाव में तेज़ी बनी थी और बीच में भाव भी गिर गए और अभी वापस तेज़ी का दौर शुरू हो गया है, और आगे की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं लहसुन के थोक व्यापारी और कोटा थोक फ्रूट एंड वेजिटेबल मर्चेंट यूनियन के अध्यक्ष निरंजन जी मंडावा। नमस्कार निरंजन जी। नमस्कार। नमस्कार निरंजन जी, इस समय लहसुन में क्या माहौल चल रहा है, क्या बाजार चल रहा है? अभी लहसुन के बाजार ठीक है। 15 दिन पहले लहसुन के बाजार थोड़े डाउन थे, अब माल की आवक भी कम हो गई है मंडियों के अंदर और आगे डिमांड भी है, इसलिए पहले से रबी से लहसुन के अंदर अपने अपने क्या नाम से 5,000 से लेकर और 500 रुपये से लेकर और अपने क्या नाम से 2,000 की तेजी देखी जा रही है। तो अभी भाव का जो औसत एवरेज क्या चल रहा है? अभी औसत भाव बिक रहा है अपने 9,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। तो बीच में तो भाव 180-185 के आसपास भी चल रहा है, आज भी बिक रहे हैं। जो अच्छे माल, जो मोटे माल होते हैं जिसको हम डबल बम बोलते हैं, बेस्ट क्वालिटी फुल गोला बोलते हैं, वो आज भी 16,000 से लेके और 21,000 रुपये तक बिक रहा है। 21,000 रुपये तक बिक रहा है। तो ये जो मोटी क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का लहसुन है जिसकी बाहर बहुत डिमांड रहती है, तो आने वाले कोई 15 दिन या महीने भर में और कितनी तेज़ी इसमें लग रही है आने की संभावना? इस बार क्या है कि भीषण गर्मी के कारण किसानों का काफ़ी लहसुन खराब हो चुका है। अब खराब होने के कारण कि माल कम हो गया, बिल्कुल, तो उम्मीद है कि अभी तो नहीं लेकिन 1-2 महीने के अंदर भाव बढ़ सकते हैं लहसुन के। मतलब अगस्त तक संभावना है भाव? अगस्त तक लहसुन के भाव बढ़ सकते हैं। तो अभी जो है, अभी नई फसल आने में टाइम है, वो तो मार्च तक आती है नई फसल जी, तो मतलब ये है कि काफ़ी लंबा टाइम है, तो इस बीच में तो भाव में कितनी, मतलब अपन ग्रोथ मान के चलते हैं, कितना और बढ़ सकते हैं? लहसुन है और अभी अपनी जो हाड़ौती की फसल है वो मार्च के आसपास आती है, लेकिन इसके पहले जो साउथ में लहसुन होता है उसकी सितंबर में नई फसल आ जाती है वहाँ। अच्छा। पर सितंबर अक्टूबर में नई फसल आ जाती है, फिर वो सारी मंडियों में वहाँ का लहसुन बिकने लग जाता है, इसलिए अभी अगस्त में भाव आने की उम्मीद है, क्योंकि अगस्त सितंबर तो नया लहसुन आएगा नहीं अभी। और जब साउथ का जब नया लहसुन आएगा तो फिर वापस भाव स्थिर हो जाएंगे, और लहसुन का बाजार है, इसमें कब उछाल आ जाए, कब आ जाए, इसका कोई कह नहीं सकते। और अभी बीच में क्या है कि बाढ़ से भी माल आ गया, बीच का जो चाइना जो लहसुन बोलते हैं वो अफगानिस्तान के होते हुए और अभी हिंदुस्तान के अंदर भी 1-2 रेक आए थे भी पहले, तुर्की कुछ MP में के किसानों ने विरोध किया तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन वो कभी भी आ सकता है, तो उसका भी असर मतलब इस पर पड़ने वाला है। हाँ, जब वो विदेश का जो लहसुन हमारे देश में आ जाता है तो उसमें भावों के अंदर कमी आ जाती है। पिछले साल हाईएस्ट भाव क्या रहे थे लहसुन के? पिछले साल अपने 400 रुपये प्रति किलो यानी 40,000 रुपये प्रति क्विंटल लहसुन बिक गया था, हाईएस्ट भाव था जो अभी तक रहा नहीं कभी, अभी तक आज तक लाइव में ऐसा भाव नहीं रहा। तो इसकी तेजी की वजह क्या रही थी पिछली बार जो इतना ऊंचा? तेजी की वजह ये रही थी कि पिछली बार भी लहसुन बहुत कम था, और जो मध्य प्रदेश का जो लहसुन समय पे आना चाहिए था, जनवरी में जो MP का लहसुन आ जाता है वो बरसात के मौसम खराब के कारण, और बरसात के कारण जनवरी में जो बरसात हुई तो वो लहसुन लेट हो गया, वो लेट होने के कारण लहसुन की डिमांड बढ़ गई, इसलिए भाव आ गए। तो इस साल ये रेंज वापस आने की संभावना लग रही है या नहीं? ये 400 रुपये किलो तक बिक गया, तो क्या इस बार 350 भी नहीं बिकेगा? अभी ये जैसे कि लग रहा है और चांस भी लग रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर के अंदर लहसुन के भाव 30,000 के आसपास आने की उम्मीद है। उम्मीद है। तो अभी तक कितना माल किसानों ने निकाल दिया और कितना और बचा होगा? अभी 50% माल निकाला किसानों ने, और अभी 50% माल किसानों का बचा हुआ है, जिसमें से 20% उनका
बीज में चला जाएगा, 30% माल अभी भी बेचने के लिए किसानों ने रख रखा है। जो अभी डिमांड बनती है वो अभी कहाँ की डिमांड बनी हुई है? अभी पूरे भारत में जा रहा है लहसुन, यहाँ से साउथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और अपने राजस्थान में और अपने महाराष्ट्र, नागपुर और अपने केरल, तमिलनाडु, पूरे भारत में लहसुन यहाँ से जाता है। मतलब आड़ोती की मंडियों में जो लहसुन आता है बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है? हाँ, हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लहसुन मजबूत होता है और इसका तीखापन भी अच्छा रहता है, इसलिए इसकी डिमांड पूरे भारत में रहती है। तो विदेशों में भी कोई ऑर्डर वगैरह आ रहे हैं क्या इस समय? लग रहा है अभी तो इस वर्ष तो अभी कोई विदेश में माल नहीं गया। पिछली बार जो निम्न क्वालिटी का जो लहसुन था, जो बारीक लहसुन था जिसको हम बोलते हैं मीडियम क्वालिटी का, वो बांग्लादेश गया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ कहीं से कोई ऑर्डर नहीं आया। अभी बांग्लादेश की कोई डिमांड नहीं आई। अभी तो जो लहसुन जितना भी आ रहा है वो टोटली हमारे हिंदुस्तान में उसकी खपत हो रही है। दोस्तों, ये जानकारी निरंजन जी ने आपको दी। निरंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।